तो जाने सो ताने कहावत है साहब, हम तो सब इन धंधों में कभी पड़े नहीं। ये तो भाई का ही विकल्प आया एक दिन कि भाई साहब मैं YouTube पे डाल दिया करूँ, मैंने कहा भी देख लो करना तुम्हें ये सब। हमें तो भाई स्वांतः सुखाय करना है, बाकी इसके साथ में किसी का हित हो जाए तो हो जाए। कल कहाँ रह गए? कल पिता थे तो पुत्र नहीं थे, आज पुत्र हैं तो पिता नहीं। होता है साहब, साधना की भूमिका में अन्य जीवों के प्रति, रुचिवान जीवों के प्रति समझाने का भाव आता है। इस भाव के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है कि कौवा जब उसे कुछ मिल जाए खाद्य अपने मतलब का, तो अकेला नहीं खाता, वो काँव काँव करके अपनी जात बिरादरी वालों को बुला लेता है। तो ऐसे ही जो चीज़ अच्छी लगी हो, मैंने तो एक दिन पहले भी कहा था कि ये मार्ग ऐसा है जो निस्वार्थ है, बाहर में कोई भी काम धंधे हों वो दूसरों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने देने के लिए, सहभागी बनाने के लिए, कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ निहित होता है। उससे हमें फायदा हो तभी हम दूसरे को बताते हैं। एकमात्र ही ऐसा मार्ग है जिसमें अपना फायदा सोच करके दूसरे को नहीं बताया जाता, बल्कि उल्टा है। ये जानते हुए भी कि समझाने का भाव माना कि शुभ है, लेकिन इस शुभ में भी तीव्र कषाय होती है, इस शुभ में भी विशेष आकुलता होती है। समझने का भाव तो शांत भाव है, बिना बोझे का काम है, समझाने का काम बोझे का काम है। समझने का काम शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव के ज़्यादा निकट है, यदि डायरेक्ट शुद्ध भी नहीं कहें तो। समझाने का भाव प्योरली शुभ भाव है। समझाने के विकल्प वाले की बात कर रहा हूँ मैं। पुण्य बंध के भागी बनते हैं, और समझने के भाव वाले समझने का विकल्प तोड़ करके जो चीज़ समझी है उसमें लीन होकर के अपने स्वरूप को पा जाते हैं, शुद्ध रूप परिणत हो जाते हैं। बताई ख्याल में, इसलिए ये जानते हुए भी कि इसमें अपना नुकसान है, फिर भी साधना की भूमिका में ऐसा ये विकल्प आए बिना, ऐसी प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती ज़्यादातर जीवों को। इसलिए ऐसा होता है। मैं तो सुबह गुरुदेव श्री को सुनते समय बच्चों को कह रहा था कि मैंने कहा, जैसे तुलसीदास ने कहा ना, तुलसी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, पढ़ी नहीं पढ़ी है लाइन तुलसीदास को पढ़ते समय? हिंदी तो पढ़ी होगी। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, पहले सुनी आप लोगों ने? डॉक्टर साहब की में आती है। तुलसीदास कहते हैं
कि मैं तुलसीदास तो अपने आनंद के लिए श्री राम की कहानी कहता हूँ। इसी तरह से हमारे गुरुदेव श्री तो स्वांतः सुखाय कांजी निज आत्मगाथा, हैं, आत्म तत्व की गाथा, आत्म तत्व की कहानी कांजी स्वामी तो अपनी मस्ती में गाते हैं। आप कभी धैर्य से उन्हें सुने समझें यदि, और कुछ लाग लपेट नहीं है और कोई उन्हें नहीं रहता विकल्प, सिर्फ अपनी धुन में है। जो एक बार चढ़ गई बस वही, चाहे एक बात को 10 बार ही क्यों ना कहना हो, हाँ उन्हें कंटाला नहीं आता, उन्हें यूँ नहीं आता यानी मैं एक बार तो कह दी, मैंने 2 बार कह दी, जिसका रस आया ना बार 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 बार, वही वही। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुदेव श्री के प्रवचन नहीं, गुरुदेव श्री तो भक्ति करते हैं, हैं, आत्मगुणों की भक्ति करते हैं, आत्मगीत गाते हैं, और गीत में बार 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 रिपीटेशन होता है, ऐसा है। इसलिए तो वो तो अपने आनंद के लिए, इसी तरह से यहाँ तो ये विकल्प है समझाने का, असलियत में तो हमें स्वयं समझना है, ये लक्ष्य रखना। इसलिए मुझे कभी ये नहीं आया, मुझे जैसे शिविर में सूरत में हुआ ना दोपहर में एक दिन व्याख्यान, उसके बाद उन्होंने पूछा कुछ लोगों ने, साहब आप अपने इंटरनेट पे क्यों नहीं डालते प्रवचन, मैंने कहा भाई मुझे कभी विकल्प ही नहीं आया। ठीक है जिसको जैसा भी कहे, नहीं वो तो बाकायदा सूचना देते हैं आज मेरा प्रवचन इस समय होगा, पहले इंटरनेट भी तो नहीं था, मनीष जी गए उसके बाद इंटरनेट हुआ, पहले नहीं हो गया। ठीक है भाई, इसमें भी तो अनेक प्रकार के स्तर बनते हैं ना विकल्पों में भी, किसी को नहीं होता किसी को होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जगत के सारे जीवों को संबोधने के भाव से ही बंधता है, जगत के सारे जीवों को संबोधने का भाव ही उस पुण्य बंध का कारण बनता है। और बहुत से ऐसे भी होते हैं कुछ विकल्प नहीं आता, आत्मलीन होते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, वाणी ही नहीं गिरती, मूक केवली जिन्हें कहते हैं, कोई विकल्प नहीं। बात आई ख्याल में? अभी अभी इस अधिकार का ही अध्ययन कर रहा था, 7वें अधिकार का ही, उसमें 2 प्रसंग पढ़ने में आए, देखो परिणामों की विचित्रता। एक जीव तो साधना करते करते चढ़ते चढ़ते क्षोपशम श्रेणी मांड करके 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, और वहां से गिर करके मिथ्यात्व में आ जाए, कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन में अनंत भव हो जाते हैं। बोलो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बिना श्रेणी नहीं मांडता जीव, उपशम श्रेणी मांड करके 11वें गुण स्थान तक पहुंच करके वहां से गिर जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है और अनंत भव धारण करता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकता है। और कोई दूसरा जीव ऐसा है, सुनना देखो अगली मार्मिक बात है, हमें गिलगिली से छूटेंगी, गदगद बनाएगा, कोई ऐसा जीव है नित्य निगोद से निकल करके सीधे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्म ध्यान लीन होता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर जाता है अनंत काल तक के लिए मुक्त। हैं, हाँ 900 वो तो बीच में उन्होंने गिंजाई की पर्याय भी धारण की, लेकिन ऐसा भी है नित्य निगोद से निकल, माने कभी एक बार भी व्यवहार राशि में आया ही नहीं। मेरी कदा डॉक्टर ने प्रश्न सुना, डॉक्टर साहब दस पर्याय जरूर धारण करता है डायरेक्ट, नहीं मैंने डॉक्टर साहब के इस पे मैंने चर्चा की है और विद्वानों से भी चर्चा की है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक भाव बीच में एक भाव
कीड़ा मकोड़ा। मैंने चर्चा की है इस मुद्दे पे भी, मैं भी तो बता रहा हूँ और मैं अभी पढ़ के आया हूँ। टोडरमल जी साहब का स्पष्ट उल्लेख है, नित्य निगोद से निकल करके सीधे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनता है और पार हो जाता है। ये परिणामों की विचित्रता भैया, हमें वैसे तो दिखता है कि भव, वैसे तो अनंत भव, हर श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा ना अनादिकाल से, निगोद में भी एक ही भव। कैसे वो ये कहें कि व्यवहार राशि में एक बार भी नहीं आया, लेकिन जन्म मरण से कोई मुक्त नहीं है, संसार में अनंत जीव हैं। और सुनो, इससे जुड़कर के बात थोड़ी सी इस प्रसंग से अलग है। वो जो दो एक दिन पहले भी बताई थी ना, कितने जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव अनादि काल से जा रहे हैं, हर 6 महीने 8 समय में। बहुत सारी जानकारी आया करेंगी रवि भाई, एक कॉपी पेन भी लाया करो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निरंतर अनादि काल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। फिर भी कितने जीव, कितने नहीं सुनो, माने गुरुदेव श्री के शब्द बताता हूँ, लहसुन की राई बराबर टुकड़े में, स्पष्ट है फिर अगले दिन, राई बराबर टुकड़े में किसी भी जमीकंद में लेना। उन्होंने लहसुन का उदाहरण दिया, लहसुन ले लो, प्याज ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, आलू ले लो, कोई भी ले लो, एक्स वाई जेड, अदरक ले लो, शकरकंद ले लो, कुछ भी ले लो, चुकंदर ले लो, एक्स वाई जेड, राई के बराबर अंश में असंख्यात तो शरीर और एक शरीर में अनंत जीव, उन अनंत जीवों का एक हिस्सा मात्र भी संख्या मोक्ष जाने वाले जीवों की नहीं है। हाँ, माने आप इससे हैं, आप इससे ये समझो कि माने कितने जीव हैं उस जमीकंद में, राई के बराबर टुकड़े में, राई के बराबर उस जमीकंद में असंख्यात तो शरीर हैं और उनमें से एक शरीर में अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में से भी एक हिस्सा मात्र अनंत काल में सिद्ध होंगे। तो कितने जीव हुए, इसलिए ज्यो के त्यों ही बने रहते हैं संसार में, जितने संख्या कम नहीं होती। कितने मोक्ष गए और कितने जाएंगे, उतने से मात्र आपका दिमाग चलता है, मेरा जिना कम चलता है। कितनी कम हुई आप लगाओ जरा, कितनी कम हुई उसमें से। एक बाल्टी दूध में से, पानी में से एक बूंद का भी असंख्यात वहां, एक बूंद भी नहीं, एक बूंद तो राई के बराबर टुकड़ा हो गया, उससे भी ज्यादा होगी, एक बूंद तो मोटी हो गई। एक एक बूंद में कितने राई के दाने आ जाएंगे जरा, एक बूंद टपका के देखना, राई के दाने रखना, उस एक राई के दाने में असंख्यात भाग करो, उस असंख्यात वे हिस्से में फिर अनंत जीव बिठाओ, उन अनंत जीवों का भी एक हिस्सा मात्र, तो कितने कम होंगे, उतने कम होंगे। चलो सागर में से तुमने सिर्फ एक बाल्टी पानी, उतने कम होंगे। कितने कम हुए हैं आप लगाओ तो सही हिस्सा, क्योंकि जी कम तो होंगे, कितने कम होंगे, नगण्य पता है ना, कोई कम नहीं। माने जितना काल गया और अनंत काल और आगे है, उस सारे में भी इतने जाएंगे, उस सारे में भी, आप समझो तो सही। अनंत काल है अभी तो आगे, और हर 6 महीने 8 समय में जा रहे हैं, सारे मिला करके भी कितने गए, कितने जाएंगे, उतने जाएंगे। राई के बराबर असंख्यात हिस्से करो, उसके असंख्यातवे हिस्से में अनंत जीव बिठाओ, उन अनंत में से भी अनंतवा भाग मात्र। केवल ज्ञान नहीं आया है,
केवल ज्ञान का वही आया भाई, केवल ज्ञान के आधार से ही बोल रहे हैं गुरुदेव, और कहाँ से बोल रहे हैं? बुद्धि से पार पड़े विश्वास होए ऐसी बात नहीं है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की महिमा बताइए, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में इतना सब आया और वैसी सामर्थ्य अपनी भी है। हम उधर उधर अपनी ज्यादा बुद्धि ना लगा करके जो बता रहे हैं आत्मा की महिमा उसे तो समझ, उस ज्ञान की महिमा तो समझ, वैसी शक्ति मुझ में है ऐसी महिमा तो समझ। केवल ज्ञान में आया हूँ देख रहे हैं, बस बहुत विश्वास करना केवल ज्ञान में आ गया। सुमेरु पर्वत की जड़ में इतना सोना है, इतना सोना है कि पूरे विश्व का कर्जा उतर जाए, पूरे विश्व का, भारत का तो ले लो चलो, और तो भी वहाँ एक बूंद कम नहीं हो, इतना सोना लिया हो निकाल के, कैसे जी ऐसे कैसे? अरे भगवान के ज्ञान में आया, ज्यादा बुद्धि मत चला अपनी, मान जो कह रहे हैं, और क्या, और क्या उससे अपना प्रयोजन सिद्ध होना है? यमुना की, यमुना नदी में चांदी है, छानने चलो निकलेगी चांदी 72,000 रुपए किलो, अब तो डाउन हो गई खैर पिछले दो दिन में तो, आपको जनरल नॉलेज भी सही नहीं है, 16,000 रुपए कम हो गई, चलो जी हो गई 5,000 हो गई बस। कौन सा प्रयोजन भूत है, अपनी जेब से कौन सा चला गया, आपकी में कौन सा आ गया? आप पाँच, आपकी 5 सही चलो, मैं 16 बता रहा हूँ, 78,000 रुपये हो गए थे, आज 62,000 रुपये के रेट हैं, कल के रेट हैं वो भी अखबार में, किलो में, हाँ किलो में, तो लियाओ निकाल के जमुना नदी में से, इधर उधर मत भटकाया करो, जो अप्रयोजन भूत है वो तो चलने दिया करो। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने कोशिश करी थी छानने की, हाँ अरे लो पता नहीं आपको, इंदिरा गांधी ने यमुना नदी का रेत चांदी है उसमें है, पक्की बात है, छानने की कोशिश करी, लेकिन छानने में जितना खर्चा आया उससे कम की निकली, निकल तो गई, निकली है तो निकलेगी ना। अब लाओ सुमेरु पर्वत खोदो जरा, खर्चा नहीं सांस कम पड़ जाएगी, वहीं मर जाओगे। स्वयंभू रमण समुद्र में रत्न ही रत्न है, ढोगे जा ही नहीं सकते ना, मरे बिना त्रियंच बन के तो जा सको। मैं तो क्या बता रहा था कि परिणामों की विचित्रता, दीपम भाई कि एक जीव तो ऐसा, कहाँ से आ गई ये बात कि बहुत तरह के विकल्प हैं जीवों को, किसी जीव को ऐसा विकल्प है कि मैं दुनिया को समझाऊं ही समझाऊं, समझाऊं ही समझाऊं, समझाऊं ही समझाऊं, और किसी जीव को ऐसा है समझ में आ गई मुझे भैया अनादि काल से भटक रहा हूँ दूसरों के ही चक्कर में, अपना काम करो, इतना समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, है परिणाम पता नहीं ऐसे रहेंगे नहीं रहेंगे आत्म कल्याण के, ठीक है पहले अपना काम करो फिर होगा दूसरे का तो हो जाएगा, हमारे निमित्त से होना होगा तो बात आई ख्याल में। योग्यता हो तो अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। मुझे तो सही में आता है, रवि जी का आता है, आ, 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 अंकल जी ने क्या एक क्लिक ही तो किया था बस, दर्शन करके निकल रहे थे शायद आप, हाथ जोड़ रहे थे, अंकल जी ने कहा अरे यहाँ बैठे हो, अगले दिन से रेगुलर हो गए। कहा वो पूछने गए थे, वो बताने गए थे, जिसकी जैसी होनहार जब हो। अब शेर कौन सा प्रयास कर रहा था बोलो, जब योग्यता जागती है ऐसे जागते, इसलिए आत्म लक्ष्य से सुनना और आत्म लक्ष्य से ही समझाने का भाव करना, समझाने का भाव आएगा उसमें आत्म लक्ष्य रखना। किसी को समझना हो तो समझ ले भैया, नहीं समझना हो तो तेरी जैसी होना। गुरुदेव श्री बिल्कुल इस ट्रैक पर चलते हैं। अंकल आपने सुना पिछले एक दिन किसी दिन बताया था डॉक्टर साहब ने, गुरुदेव श्री के सभा में मुश्किल से 2-4 लोग ही जागे होते होंगे। हाँ
ये आंखों देखा डॉक्टर साहब का है और प्रवचन में इन्हीं प्रवचनों में आया वो तो अपनी मस्ती में है। माँ का जो बच्चू था वो तमिल वो हिंदी को तमिल में बता के बता रहा था। हाँ हाँ हाँ। कहते हैं इतना उसने सही ट्रांसलेट किया कितना बताया क्योंकि माँ को सुनते भैया ये विचार करना अनादि काल से अनंत भाव ऐसे ही चले गए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में अटके रहे फंसे रहे। अब यदि ये लगता हो वास्तव में कि मुझे अब मेरा कल्याण करना है अभी अवसर आया है परिणाम बने हैं तो इधर उधर की भटकने की भाव के बिना भटके बिना आत्म लक्ष्य से सुनना। हमें तो गुरुदेव श्री से ये प्रेरणा मिली। भाई को विकल्प आया रिकॉर्ड करके डालने का डाल दे भैया। किसी को ये विकल्प आता मैं खुद ही डालूं जी डाल दे भाई। विकल्पों में ज़्यादा नहीं उलझना आया आया नहीं आया नहीं आया तो उस विकल्प पे मैंने बताया। एक जीव ऐसा है कि ग्यारहवें से गुण करके अनंत भाव धारण कर लेता है और एक जीव ऐसा निकोल से निकल करके दूसरे ही मनुष्य पहला ही मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष चला जाता है। परिणामों की विचित्रता है दोनों ही पात्र हैं। समझाने के विकल्प वाला पात्र नहीं है ऐसा नहीं है वो उसे अभी वर्तमान में ऐसा विकल्प आ रहा है उसके भी तो चीज समझ में आई है अंदर में ऐसा लगा भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी तो ऐसे ही थोड़े ही हो गया समझाने का भाव था जगत के ज्यादा से ज्यादा। अब हम अपनी अपनी डबली अपना ही राग अलाप रहे किसी को ये है कि मैं बाजे गाजे के साथ दूसरों को भी सुनाऊं। हाँ इसीलिए लेकिन जो अपना चुपचाप खा ले वो भी कोई ऐसा नहीं कि पापी है अभव्य है वो भी पात्र हो सके। ये तो उदाहरण दे दिया कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। बताइए समझ में ऐसा समझ में। अब देखो उस मारीची को दूसरों का मुखिया बनना ऊंचा बनना मैं अगला तीर्थंकर बन करके बताऊंगा ये विकल्प कितना सता गया कितना लंबा खींच दिया। दस कोड़ा कोड़ी का होता है ना दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम जिसमें निगोद भी भटक गया है नरक भी भटक गया जिन्हें कहाँ कहाँ जाया एक कोड़ा कोड़ी का। हाँ हाँ एक कोड़ा कोड़ी 42,000 वर्ष कम 42,000 एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोलो कौन सा विकल्प वो छोड़ देना कि उसके क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा था वो तो था ही ठीक है तभी तो ऐसा परिणाम आया लेकिन परिणामों की विचित्रता देखो। और नहीं तो अच्छा खासा इसी भाव से है? साथ में दीक्षित हुआ था बाबा के हैं उसके बाद सुलट भी गया था तभी तो समोषण में आकर के बैठा था फिर टोडरमल जी साहब कहते हैं इसीलिए परिणामों की संभाल रखना वही संदर्भ उसी संदर्भ में है जहां दो संदर्भ आए ना उन्हीं दोनों संदर्भों में ये कहा कि इसलिए अपने परिणामों की संभाल रखना परिणामों के बिगड़ने का भय रखना है जी। हाँ परिणामों का परिणाम बताया ना मैंने भाई गिर करके अर्धपुद्गल परावर्तन भटका और परिणामों का ही खेल है कि वहाँ ऐसे परिणाम हुए कि निगोद से निकल करके सीधे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय और सीधे मोक्ष। उस परिणामों की विचित्रता में एक जो संत का वो आ रहे हैं उदाहरण कि वो वृक्ष के नीचे बैठा था और वो वहाँ जा रहे थे तो उसके परिणामों का जो विचित्रता थी परिणाम ये थे सुंदर भी थे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिगड़ रहे थे फिर संभल गए बिगड़ रहे थे फिर संभल गए कहानी एक छोटी सी ऐसी ठीक है परिणामों के लिए वो भी कभी को प्रसंग बनेगा तो बताएंगे अभी तो भाई साहब ने तो बिना प्रसंग के बीच में
इस प्रसंग में हमारा एक पॉइंट रह गया, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। कल बार बार अंकल जी के कहने की वजह से और मैंने फिर गुरुदेव श्री को इस पॉइंट से पढ़ा, ये पॉइंट देखने के लिए मैंने गुरुदेव श्री इसमें किन को लक्ष्य करके कह रहे हैं, क्या समझे हैं? गुरुदेव श्री ने इन दो लाइनों की व्याख्या में, एक पेज की पूरी व्याख्या है, दो जगह ऐसा कहा जो जैन कुल में जन्मे हैं। तो जैन कुल कह करके सीधे मनुष्यों की ओर इशारा। दो प्रसंग लिए, दो एक ही पेज पे दो जगह ये बात आई कि जो जैन कुल में जन्म लेने के बाद, सारा जैनाचार पालने के बाद, जिनेंद्र देव को ही मानते हुए, माने 18 दोष रहित जिनेंद्र देव की पूजा अभ्यर्थना करते हैं और निर्दोष मुनिराजों को ही मानते हैं, ये जैन कुल के संस्कार जिन्हें मिले हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, ऐसों को भी। खैर इसके बाद वाला पॉइंट लेना है, उसका वर्णन करते हैं किसका, कि इतना सब करने के बाद भी मिथ्यात्व रहता है, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। इतने से ही अंश पे आज मुझे जो मेरा चिंतन है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर आप लोग विचार करना उस पर, हमारे अंकल जी तो विशेष रूप से करेंगे ही। देखना इसमें जो कहा ना, इस मिथ्यात्व बैरी का दीपम भाई अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। तो ये सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व, ये किसमें भेद पड़ेंगे, इस ट्रैक पर जरा सा विचार करना। एक मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, माने यहाँ अंश भी बुरा है कहकर के पंडित जी साहब यहाँ भी इस बात की गुंजाइश दे रहे हैं कि थोड़ा सा मिथ्यात्व और बहुत बहुत बड़ा मिथ्यात्व, अंश माने थोड़ा सा, तो और अधिक मतलब खूब सारा, तो इस तरह का भेद पड़ता है क्या? मैंने विचार किया है, क्योंकि भाई आप लोग कहोगे लो खुद पढ़ के आवे हैं, खूब विचार करके हमारे सामने रख के तुरंत ये कहें बताओ जी, विचार कर लो जी, इसलिए समय दे रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे तो दो दिन पहले भी कहा था मैंने शायद कि इस पॉइंट पे आप लोग विचार करना, कल चर्चा करेंगे, यदि किया हो तो बढ़िया, नहीं तो अपन सोचें। यहाँ दीपम भाई मिथ्यात्व में क्या ऐसे भेद पड़ते हैं, सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व, अंश रूप में मिथ्यात्व और वो अंश जिसका है ऐसा अंशी रूप अर्थात व्यापक रूप में मिथ्यात्व, क्या इस तरह से भेद बनेंगे? या तो मैंने जो सोचा आपके सामने रखूं, फिर आप विचार करके बताना। देखो जो अग्रहित मिथ्यात्व, दो भेद है ना मिथ्यात्व के, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। मेरे विचार से अग्रहित मिथ्यात्व में तो इस तरह का कोई भेद नहीं पड़ता। अग्रहित का मतलब जो अनादि काल से आत्मा संबंधी विभ्रम विपरीतता अज्ञान चला आ रहा है, वो या तो जाएगा एक साथ और नहीं तो बिल्कुल नहीं। ऐसा तो है नहीं मैं थोड़ा सा आत्मा हूँ थोड़ा सा अनात्मा हूँ, या थोड़ा सा तो अभी मान लिया मैंने आत्मा हूँ और थोड़ा सा बाद में देख लूंगा मान लूंगा, या तो आत्मा हूं या शरीर हूं अनात्मा हूं। आत्मा को आत्मा रीते स्वीकार नहीं करके शरीर आदि रूप स्वीकार करना, जो भी पर्याय शरीर मिलता है, अनादि काल से यह संस्कार चला आ रहा है, इसलिए इसको कहा अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, मेरे विचार से इसमें सूक्ष्म स्थूलता का भेद नहीं है, अंश और अंशी का भेद नहीं है अग्रहित मिथ्यात्व। मैं उदाहरण रखूंगा आपके सामने, दूसरा है ग्रहित मिथ्यात्व।
ग्रहित मिथ्यात्व में इस तरह के भेद पड़ते हैं, स्थूल मिथ्यात्व और सूक्ष्म मिथ्यात्व, अंश रूप में मिथ्यात्व और अंशी रूप में मिथ्यात्व, एक ही बात है। जब वो ये कह रहे हैं इसलिए मिथ्यात्व बैरी, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, फिर निष्कर्ष दिया, इसीलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। एक ही बात को दो तरह से कहा मेरे विचार से, और आप लोग रहना देखो। जब वो ये कह रहे हैं क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, एक तो शत्रु होता है और एक बैरी होता है, शत्रु मतलब जो तत्काल अपना रूप दिखा दे, तत्काल अपना बदला ले ले, उसे बैरी नहीं कहते, लेकिन जो धीरे धीरे करके प्लान बना करके, अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मौका नहीं है, मैं थोड़ा सा ताकतवर हो जाऊं उसके बाद मैं बदला लूंगा, ऐसा जो प्री प्लान बदला लेता है उसे कहते हैं बैरी। हैं? हाँ, जन्म दर जन्म चलता है भाई। किसी ने हमारा नुकसान किया है और हमने उसको तुरंत ही उसकी पूर्ति कर ली, सजा दे दी, दंड दे दिया, लड़ झगड़ लिए, गाली गुप्पड़ कर लिया, जो भी है, लेकिन कल के लिए नहीं रखा, रात गई और बात गई वाली बात। यहाँ वो नहीं, मिथ्यात्व एक ऐसा शत्रु है जो कि हमारा अनादि काल से ही पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। अब उसके पोषक क्या हैं? ये जो हम जन्म में नए नए ग्रहण करते हैं, ये उसको पुष्ट करते हैं और मजबूत करते हैं। मैंने तो मेरी आपके सामने रख दी बात, अब आप बताओ इस पर विचार करो, आज ही करो या कल करो। अब इसमें एक बात है, जैसे जो जीव जैन है वो गहरे विचार छोड़ के तो आए, जो जीव जैन है फिर विचार तो बिल्कुल छोड़ दिया, इसमें तो एक ग्रहित आएगा मेरे अपने सोच के। हाँ, कोई बात नहीं, चलो अपने मतलब जैसे ग्रहित में छोड़ दिया, जो जीव जैन है जिन आगे को मानते हैं, जो ग्रहित में तो फिर जिन आगे को मानते हैं, मेरा अपना विचार है। हाँ, कोई बात नहीं है, पहले जो अंश में जो इसका एक ग्रहित है वही बुरा है, जो अपने शरीर में बुद्धि है, माने सूक्ष्म और स्थूलता का भेद, स्थूल में बोला और ग्रहित में क्या, इसमें क्या बात, अपने अपनी सोच है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप या तो इधर रहो या उधर रहो, दोनों तरफ हाथ मारने की कोशिश मत करो, इतना क्या नहीं होता, कोई बात है, थोड़ा थोड़ा माने यहाँ दो भेद करके, या तो दोनों ही अग्रहित के हैं सूक्ष्म और स्थूल, या दोनों ही ग्रहित के हैं, ग्रहित छोड़ करके आया है, अग्रहित बचा हुआ है, जिन आज्ञा को मानता है। हाँ, जिन आज्ञा को किस तरह से मानता है, ये इस पर अपनी चर्चा चल चुकी है यद्यपि, कोई बात नहीं। हाँ भाई दीपम जी, अब या तो यूं ही ले लो या फिर बीच बीच में जिसकी जो मर्जी हो बोले, कोई बात नहीं, कहने में क्या बात है, सोच है। क्योंकि उन्होंने इनको जो दोनों को अलग अलग बताया है, उनका मतलब बताने के उससे चिंता ये है कि इन दोनों में भी भेद क्या, अंश में भी और सूक्ष्म में भी। नहीं, अंश से छोटा नहीं, अंश को ही सूक्ष्म कहा है, अंश को ही सूक्ष्म कहा है, मतलब जो मुश्किल से दिखाई दे या दिखाई ना दे, पकड़ में ना आवे। नहीं नहीं, उन्होंने अंश से मतलब है इस बात को जाएगा कि अगर मिथ्या का छोटा कन्या जो कम से कम भाग है वो भी एक उसके रहेगा, वो भी बुरा है। तो अंश और सूक्ष्म तो एक ही बात हुई, अब ये किसके हिस्से हैं? ये ये जो अंशी और स्थूल जो दिखाई देवे पकड़ में आवे, तो ये जो दो भेद किए हैं, अंश और अंशी, स्थूल और सूक्ष्म, अब मेरा पूछना ये है कि ये ग्रहित के हैं अग्रहित के, क्या अग्रहित में ऐसा रहता है कि बहुत सारा हिस्सा तो निकल गया और थोड़ा सा रह गया अभी भी? हैं,
इसी क्रियाएं बनाए, बिल्कुल यहाँ करके समझा, उसने एक पक्ष पर जोर दे दिया और एक पक्ष पर मोड़ कर दिया, गलत नहीं रखा उसने, फिर से कहो लास्ट वाला वाक्य। वो जाएगा जरूरी नहीं अंकल, ग्रहित चला जाए अग्रहित फिर भी अंदर बैठा रहे, आपका अभिप्राय ना दीपम ऐसे कर दो नहीं, आपका अभिप्राय अब समझो जरा सा, वो ये कहने जिस स्तर के सूक्ष्म मिथ्यात्व की यहाँ बात है वो यद्यपि है तो ग्रहित, लेकिन वो इतना बारीक है कि वो अग्रहित उसके जाए बिना अग्रहित नहीं जाता, इसलिए तत्संबंधी दोष रह जाता है। नहीं 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 ग्रहित का, हाँ ग्रहित का जो स्तर इसका बाकी है ना वो यदि चला गया तो अग्रहित तो गया ही गया है उसका, ये मान करके चलो, ये कहना चाह रहे भाई आप समझना जरा सा, अग्रहित मतलब आत्मा संबंधी विपरीतता अनादिकाल की बनी हुई है ये अग्रहित, अग्रहित मतलब नया ग्रहण नहीं किया, ठीक है। अब वो या तो पूरा ही जाता है, नहीं जाता है तो पूरा ही रहता है, किसी को हम अपनी पत्नी या तो पूरी तरह से स्वीकार करेंगे या बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करेंगे, आजकल की तरह नहीं है कि भाई वो लिव इन रिलेशन वाली बात, चार दिन रख लो ऐसे नहीं, ट्रायल के लिए नहीं चलता ये, इसी तरह से अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा नहीं होता, या तो मैं आत्मा हूँ या फिर मैं शरीर आदि हूँ, और ये जो ग्रहित में भेद पड़ते हैं बहुत सारे भेद पड़ते हैं। देखो एक ग्रहित तो क्या है जो कि अपने यहाँ नहीं दिखता, कुदेव कुगुरु आदि, ये ग्रहित। दूसरा ग्रहित है कुदेव कुगुरु आदि को पूजना, ये ग्रहित, ये अपने यहाँ दिखाई नहीं देता। इस अध्याय के संदर्भ में तो बहुत सूक्ष्म वाली बात है, बहुत ही सूक्ष्म वाली, सबसे आखिरी के स्तर के मिथ्यात्व की बात है। यहाँ सातवें अधिकार वाला मिथ्यात्व निकल गया जो अंकल कहना चाह रहे हैं, फिर तो ये समझो वो सम्यक सन्मुख अथवा सम्यक दृष्टि ही है। ये दोनों ये मिथ्यात्व रह सकते हैं, कौन से एक नीति और गृहस्थी भी रहते हैं ना, रहते हैं इस समय वो जिस मिथ्यात्व को छोड़ेगा एक नीति और नाम चल जाएगा फिर उसको बाकी पास रहेंगे वो गृहस्थी। बताता हूँ देखो, उदेव कुगुरु आदि को छोड़ आया, ग्रहित छोड़ आया, सुदेव सुगुरु आदि को ही पूजता है, वितराग देव गुरु धर्म की सारी ये करता है, फिर भी ये मानता है कि इनसे मेरा भला होगा, ये ग्रहित, पुण्य को धर्म मान रहे ये ग्रहित, सुनने से मेरा कल्याण हो जाएगा ये ग्रहित, व्रतादिक पालन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा ये ग्रहित, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने से मेरा काम हो जाएगा ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये जो व्रतादिक का पालन की क्रिया है ये मैं कर रहा हूँ ये ग्रहित, ये बोलने की क्रिया जो है ये मैं सोच समझ करके बोल रहा हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मेरे समझाए बिना कैसे समझ में आएगा, अथवा किसी दूसरे के समझाए बिना कैसे समझ में आएगा ये ग्रहित, अरंतादिक के बिना मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, इन्हीं के उससे होगा, इनने समझाया तो ही मेरी समझ में आया ग्रहित, अरंतादिक ने मुझे समझाया, गुरु ने मुझे समझाया तो मेरी समझ में आया ये ग्रहित, ये ग्रहित,
अब ये स्तर देखो, ये ग्रहित इसी तरह से मैं चाहूँ तो मैं अशुभ से बच सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं शुभ कर सकता हूँ, ये ग्रहित तो करने का भाव जो है ये अग्रहित नहीं है, ये ग्रहित। इसी तरह से मैं और भी नहीं तो मेरी स्वाभाविक पर्यायों का सम्यक दर्शनादिक तो मैं चाहूँ जब ले लूँ, ये ग्रहित, ये ग्रहित है। सम्यक दर्शन सुनना, सम्यक दर्शन से मैं सुखी होऊंगा, ये ग्रहित, ये ग्रहित मिथ्या। सम्यक दर्शन मेरे लिए सुख का कारण है ऐसा माने तो सम्यक दृष्टि नहीं, केवल ज्ञान मेरे लिए सुख का कारण है ये माने तो ग्रहित मिथ्या। तो भाई देखो आज तो अभी सुनो अभी तो मैंने ये केवल सूत्र रखे हैं ग्रहित के, अभी तो हम सुनते ही चकरा गए ना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में, इस सातवें अधिकार के संदर्भ में ये ग्रहित मिथ्यात्व है। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, देखो चूंकि मुश्किल ये हो गई आज अंतिम पड़ाव में आकर के बात आई, इसी मैंने वो वाली बात है कि मैंने ऑपरेशन तो वो पेट तो चीर दिया, अभी बीमारी नहीं निकली है और टाइम खत्म हो गया, ये बीमारी निकलवाने के लिए कल लाजमी आना पड़ेगा, ये लगा होगा ना चक्रा गए होंगे ना, ये ग्रहित मिथ्या। तो दीपम भाई हैं है? लेकिन भाई देखो भले ही पहली बार सुना है लेकिन मैं जिनवाणी पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मेरा हार्द परम पवित्र निर्मल है और जिनवाणी के बाहर बिल्कुल भी नहीं बोलने की प्रतिज्ञा है। नहीं, आपका अभिप्राय गलत नहीं है, मैं जिनवाणी के बाहर एक अक्षर नहीं बोलूंगा ये समझ करके ही बोल रहा हूँ, और मेरी जबान पकड़ने वाले अंकल बैठे भाई है, चूंकि हमने सुनी नहीं ना कभी, विचारी नहीं, विचार नहीं करते हमें, मैं करूँगा स्पष्ट करूँगा, हमें कोई समझाने वाले मिले नहीं, हमने समझने की सुनने की कोशिश करी नहीं, ऐसी चीज़ें हमने तो मोटी मोटी सुनी और उन्हीं में धर्म मान लिया, उन्हीं हमें धर्म बताया भी गया है, मुश्किल ये है। हैं हाँ शुद्ध परिचिदाणु भूदा सर्वस्वी काम भो, जो जो आज शुरू हुई चौथी का था वो उसी में ही तृप्त रहे हम, उसी में संतुष्ट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई स्वाध्याय कर लो, लेकिन स्वाध्याय में कर क्या ले, समझ क्या ले, निर्णय क्या ले, वो तो कभी हमने किया ही नहीं, किया ही नहीं। धैर्य से काम चलेगा हैं, जितनी सांसें बची हैं इसी के लिए समर्पित कर देने से लाभ होगा। दीपम हंस रहा है, देखो इनकी तो सांसें शुरू हुई हैं अभी।